आज का वैलेंटाइंस डे दुनिया भर में प्रेम और शांति के लिए मनाया जाने वाला त्योहार, लेकिन इस बार वैलेंटाइंस डे कुछ खास है, कुछ अलग है। इसे खास बनाने के लिए आज शुरू हो रहा है एक अभियान जिसका नाम है 1 बिलियन राइजिंग। इस अभियान का मकसद है दुनिया भर में हिंसा की शिकार महिलाओं को विरोध करने का हौसला देना। इस अभियान से मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने अपनी आपबीती को पहली बार दुनिया के सामने रखा। वैलेंटाइन डे की सुबह का सूरज एक नए संदेश के साथ आज आसमान पर निकला है। प्यार के इस दिन को एक मकसद देने के लिए पूरी धरती पर फैल रही है क्रांति की किरणें। बरसों से अत्याचार को गुमसुम झेलती बेटियां आज बोलेंगी, खुलकर गाएंगी और झूमकर थिरकेंगे 100 करोड़ कदम कि अब आ गया है बदल जाने का वक्त। 1 बिलियन राइजिंग नाम के इस अभियान के साथ जुड़ी एक आवाज ने सबके दिल को छू लिया। मंच पर सितार के तारों के साथ मुस्कुराती हुई अनुष्का, कौन यकीन करेगा कि सुरों के साथ सजी इस मुस्कुराहट के पीछे घबराई और डरी हुई एक छोटी सी बच्ची का दिल है, जो शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी डर और बेबसी के उन पलों से आज भी आजाद नहीं है। change.org नाम की वेबसाइट ने अनुष्का शंकर का एक वीडियो डालकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में बीते हुए कल के स्याह सच को सामने लाने की हिम्मत दिखाई है अनुष्का ने, और खुलासा किया है बचपन में हुए यौन शोषण का, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। As a child, I suffered sexual and emotional abuse for several years at the hands of a man my parents trusted implicitly. Growing up, like most women I know, I suffered various forms of groping, touching, verbal abuse and other things I didn't know how to deal with. I didn't know I could change. Anushka जानती है कि उनका ये दर्द सिर्फ उनका नहीं है और समाज के इस नासूर को जड़ से मिटाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। As a woman, I find I'm frequently living in fear. Afraid to walk alone at night, afraid to answer a man who asks for the time. Afraid I'm going to be judged or treated in ways based on the way I might choose to dress or the makeup I might choose to wear. And, you know, enough is enough. I'm rising for women like her. I'm rising with the amazing women of my country who are together calling and saying enough is enough. I'm rising for the child in me who I don't think will ever fully recover from what happened to her. So join me. Let's rise. Let's dance. Dance has the power to heal, to transform. So let's transform ourselves, let's transform this world. Let's rise together. अनुष्का ने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा, ये जानते हुए कि करोड़ों महिलाओं के दिल में ऐसे ही अनुभव दफन हैं और बरसों से इस घुटन में जी रही हैं। अनुष्का ने महिलाओं पर होने वाले अपराध के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन छेड़ा हुआ है। अनुष्का ने महिलाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों से अपील की है कि इस वैलेंटाइन डे पर वो घर से बाहर निकले और बता दें कि अब वो अकेली नहीं है। ये तय है कि मंजिल मुश्किल है और सफर भी आसान नहीं। सच ये भी है कि मासूम बच्चियों के गुनहगार एक दिन में नहीं सुधरने वाले। महिलाओं के लिए सदियों पुरानी सोच एक दिन में नहीं बदलने वाली, लेकिन पहले कदम की कामयाबी इससे कम नहीं हो जाती। अगर अनुष्का जैसी कामयाब शख्सियत के लिए बचपन के उन जख्मों से उबरना मुश्किल है, तो उनकी सोचिए जहां पूरी जिंदगी या तो जख्मों के साथ गुजरती है या फिर समय ही दम तोड़ देती है। ये लड़ाई लंबी होगी क्योंकि इसे कई मोर्चे पर लड़ना होगा, माँ की कोख में बचे रहने के लिए, बाबुल के आंगन में बराबरी के लिए, दहेज की बलि चढ़ने से बचने के लिए
और उन तमाम छोटी बड़ी खुशियों के लिए जहां आधी आबादी के लिए पैमाना बदल जाता है। संकल्प है उस सोच को बदलने का जिसमें घर की इज्जत के नाम पर बेहिचक बेटियों की जान ले ली जाती है। इस लड़ाई में उन सबसे शामिल होने की अपील है जो बेटियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया का सपना देखते हैं और जिनके अंदर अपने सपनों के लिए जूझने का साहस है। आज तक ब्यूरो। अत्याचार की शिकार हुई महिला ये नहीं महसूस करे कि वो अकेली है, उसके अंदर ये उम्मीद बाकी हो कि इंसाफ जरूर मिलेगा। वन मिलियन राइजिंग अभियान के पीछे बिल्कुल यही सोच काम कर रही है और दिल्ली में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जोर शोर से तैयारी की गई है। दुनिया की आधी आबादी दे रही है दस्तक कि अब उन्हें भी चाहिए आजादी की हवा में सांस लेने का हक। वैलेंटाइंस डे के दिन शुरू हो रहे वन बिलियन राइजिंग अभियान में पूरी दुनिया के साथ हाथ मिलाने के लिए भारत भी तैयार है। देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कमला भसीन इस अभियान की आयोजक है। दिल्ली के लिए ये अभियान खास मायने रखता है क्योंकि गैंगरेप के खिलाफ भड़के गुस्से की चिंगारी अभी पूछी नहीं है। वन बिलियन राइजिंग उमड़ते 100 करोड़ औरतों की आजादी की लड़ाई है और ये आजादी की लड़ाई अब शुरू हो रही है। पितृसत्ता से आजादी चाहिए, हिंसात्मक मर्दानगी से आजादी चाहिए। हिंसात्मक मर्दानगी औरतें भी कर सकती हैं, सास भी हिंसात्मक मर्दानगी कर सकती है, तो मेरा मतलब सिर्फ पुरुषों से नहीं चाहिए। पहले आपको बताते हैं कि वन बिलियन राइजिंग नाम इसे क्यों दिया गया। पूरी दुनिया में 7 बिलियन यानी 700 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें से आधी आबादी महिलाओं की है यानी करीब 3.5 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हर 3 महिलाओं में से एक किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार है और यही है वो 1 बिलियन आबादी जिन्हें अपने हक के लिए जागने का संदेश दिया जा रहा है। वैलेंटाइन डे को इस अभियान ने एक खास मकसद दे दिया। दिल्ली में इस पूरे दिन के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। 1 बिलियन राइजिंग अभियान सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में अलग अलग कॉलेजों में लोग जुड़ेंगे, महिलाएं अपने अनुभव दुनिया के सामने रखेंगी, गीत संगीत के जरिए जागरूकता फैलाई जाएगी। दिल्ली के सीवापुरी और गोविंदपुरी जैसी बस्तियों में भी इसकी आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा 10 मेट्रो स्टेशन पर विकलांग लोगों की टीम इस अभियान में अपना योगदान देगी। शाम 5 बजे दिल्ली के संसद मार्ग पर सारे लोग जमा होंगे। 8 बजे के बाद कॉलेजेस की कुछ लड़कियां हैं जो पूरी रात दिल्ली में सड़कों पर रहना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि दिन भी हमारा है, रात भी हमारी है, दिल्ली रात को भी हमारी है और दिन को भी हमारी है। किसी न किसी तरह की हिंसा झेल रही है दुनिया की 100 करोड़ की आबादी और ये इसलिए क्योंकि अपनी अपनी जगह पर वो सब अकेली है। 1 बिलियन राइज अभियान के साथ हर अकेली आवाज कोरस बन जाएगी और उनके साथ होंगे दुनिया के वो सारे लोग जो जीवन के सौंदर्य से प्यार करते हैं, जिनकी आंखें दूसरों का दर्द देखकर नम हो जाती है। अगर आप भी इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके की महिला के खिलाफ हिंसा रुके तो आप भी इस कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे संसद मार्ग में मेन इवेंट होना है। अगर आप कॉलेजेस में अपने आसपास की बस्तियों में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप शाम को 5 बजे संसद मार्ग संसद थाने के पास जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है वहां पर जरूर जुड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। 2013 का वैलेंटाइंस डे साबित हो बदलाव का वैलेंटाइंस डे और इसीलिए आज तक ने किया एक सर्वे ताकि सामने आए ऑफिस रोमांस की हकीकत। आज तक की वेबसाइट के जरिए हुए सर्वे में ऑफिस रोमांस की पोल खोलने वाले कई सवाल किए गए थे और सब पर हैरान करने वाले जवाब मिले हैं। कम से कम लड़कियां ऑफिस में गलत इरादों से बचना चाहती हैं तो इस सर्वे के नतीजे उनके लिए अहम है। एक साल बाद फिर आया है प्यार के इजहार का दिन। एक साल बाद फिर फिजाओं में महकने लगी है मोहब्बत की खुशबू। वादियों में गूंजने लगे हैं प्यार के मीठे बोल।
वैलेंटाइन डे का बुखार हिंदुस्तान के युवा दिलों को झकझोर रहा है। प्रेम के गलियारे में हर किसी को कुलांचे मारने को मजबूर कर रहा है। साल में एक बार आने वाले मोहब्बत की अनूठी यादें ताजा करने के इस दिन यानी वैलेंटाइन डे का जब आप इंतजार कर रहे थे, अब आज तक के वेबसाइट aajtak.in पर चल रहा था एक सर्वे। ये सर्वे इसलिए कि सामने आ सके दबी मोहब्बत के अफसाने, खुल सके मोहब्बत के कुछ ऐसे राज जिसे सुनकर आप हो जाएं हैरान। जी हां, वैलेंटाइन डे के खास मौके पर आज तक ने जाना ऑफिस रोमांस का हाल, और इसे जो नतीजे आए उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सर्वे में हमने पूछा कि आप अक्सर अपने ऑफिस सहकर्मी से फ्लर्ट करते हैं, इसका जवाब क्या मिला सुनिए। 40% लोगों ने कहा हाँ कभी कभी, 45% लोगों ने कहा कभी नहीं, 15% की राय में अक्सर ऑफिस सहकर्मी से वो फ्लर्ट करते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि आपने कभी अपने सहकर्मी को डेट किया है, 65% लोगों ने कहा कभी नहीं, 15% लोगों ने कहा हाँ एक बार, 20% लोगों ने कहा एक बार से अधिक। वैलेंटाइन डे के मौके पर मोहब्बत के दबे अफसानों को सामने लाने के लिए हमने सर्वे में ये सवाल भी पूछा, क्या आपने कभी अपने बॉस को डेट किया है। जवाब हैरान करने वाला था, 8% लोगों ने कहा हाँ एक बार से अधिक बॉस को डेट किया है, 85% लोगों ने कहा कभी नहीं, 7% ने कहा एक बार बॉस को डेट किया है। अगला सवाल ये जानने के लिए था कि लोग कितने छुपे रुस्तम होते हैं, अपने ऑफिस रोमांस को कितना छुपा कर रखते हैं। सर्वे में हमने पूछा कि आपने कभी अपने ऑफिस रोमांस को सीक्रेट रखा है। जवाब चौंकाने वाला था, 52% लोगों ने कहा हाँ ऑफिस रोमांस को छुपा कर रखते हैं, 48% ने इसका जवाब नहीं दिया। हमने ये भी पूछा कि क्या आपको कभी ऑफिस में फ्लर्ट करने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, 5% ने कहा हाँ और 95% ने कहा नहीं। ऑफिस का रोमांस क्या शादी के अंजाम तक भी पहुंच पाता है, अगला सवाल यही जानने के लिए था, और इसके जवाब में 6% ने कहा हाँ और 94% ने कहा नहीं। आपको बता दें, इस सर्वे के हर सवाल पर 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और 20 से लेकर 50 की उम्र के पुरुष और महिलाओं ने अपनी राय दी है। इस सर्वे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा आज तक की वेबसाइट www.aajtak.in पर। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, एक नई सोच के साथ, एक बदलाव के साथ।